हेलो स्टूडेंट, तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था वो क्या था, परमुटेशन के ऊपर। तो परमुटेशन के ऊपर जो डिस्कशन किया था एनपीआर में, जो डिस्कशन किया था एनपीआर, ठीक है। एनपीआर का आपको फॉर्मूला याद होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ये फॉर्मूला। देखिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री रेशियो एन पी फोर इज इक्वल टू 1:9, यानी कि ये जो रेशियो गिवन है ये 1:9 है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन काफी इजी है बेटा। जो आपके पास गिवन है वो ले लीजिए, वी है एन माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर इज इक्वल टू 1:9, ये रेशियो 1:9 है। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टेक्निक से सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो एन पी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन, ये आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ऐसे आप इसको भी लिखेंगे, ये आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इन चीजों को, तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल है, ये n माइनस फोर मिला, n माइनस वन माइनस थ्री n माइनस फोर फैक्टोरियल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी n माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल होगा, तो ये आ गया 1:9। अब ये n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। क्लियर। तो यहां से आपको कल बताया गया था कि फैक्टोरियल एन को आप क्या ले सकते हैं, देखिए ये है एन माइनस वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1:9, ये कैंसिल हुआ, सो क्या 1:N इज इक्वल टू 1:9। सो व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू 9, एन की वैल्यू आपके पास आ गई 9। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। एनपीआर को यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेम पैटर्न से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर दो बड़ी बातें हैं, एक तो आपको एनपीआर की वैल्यू याद रखनी है, क्लियर, क्या रखनी है एनपीआर की वैल्यू, और सेकेंड क्या है, देखिए ये रिजल्ट तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, सेकेंड फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड आर इफ फाइव पी आर इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस, इसके अंदर आपको आर की वैल्यू निकालना है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सो इसके अंदर जो गिवन है पहले बोले जी, वी हैव फाइव पी आर इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस, अब फाइव पी आर के ऊपर आप फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स पी आर के ऊपर फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, फैक्टोरियल सिक्स अपॉन सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्लियर। देखिए ना वही फॉर्मूला तो ऑपरेट कर रहे हैं बार बार, एन पी आर, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइव है, आर की जगह आर है, ये फॉर्मूला ऑपरेट आपने कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फाइव माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल सिक्स अपॉन सिक्स माइनस आर प्लस, ये आगे बढ़ा सिक्स माइनस आर प्लस, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सिक्स माइनस आर प्लस क्या हुआ, सेवन माइनस आर, ये आपके पास आ गया सेवन माइनस आर, ये फैक्टोरियल, क्लियर। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए, तो फैक्टोरियल सिक्स है ये बड़ी क्वांटिटी, ये बड़ी क्वांटिटी है, एक सेवन माइनस आर भी आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, देखिए इनको ब्रेक कर लीजिए, तो फैक्टोरियल फाइव एज इट इज, फाइव माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज टू, तो सिक्स को क्या लिखा, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि अब ये कैंसिल हो जाएगा,
ऐसे 7 माइनस आर के फैक्टोरियल करते हैं, इसको 7 माइनस आर, फिर 7 माइनस आर, फिर इसमें से एक और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस आर, तो उसके बाद आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये बेटा ये आपको आता ही है, क्लियर? इससे क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। सो आपके पास यहाँ पर तो 1 हो गया, इक्वल टू 2 इंटू 6 ये 12 हो गया, अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिलेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो गया आर स्क्वायर माइनस 13 आर, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 आपके पास हो गया 30 इक्वल टू 0, क्लियर? इसके फैक्टर आप कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 3 आर माइनस 10 आर प्लस 30 इक्वल टू 0, लेकिन आर कॉमन है, आर इंटू आर माइनस 3 माइनस 10 कॉमन, आर माइनस 3 इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज इट इज आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 10 इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 10। सो आपके पास आर की टू वैल्यू आई, आर की वैल्यू तो 3 होगी या 10 होगी, बट यहां पे देखिए बेटा ये 5PR है, 5PR। इसके अंदर आप एक सबसे बड़ी बात देखिए, कभी भी जो नीचे क्वांटिटी है वो ऊपर वाली क्वांटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो NCR है ना, इसमें जो R है वो कभी भी N से बड़ा नहीं हो सकता, तो R को तो हमेशा कंडीशन होती है R का सकता लेस देन इक्वल टू N, ठीक है? देखिए आपके पास 3 थिंग्स है और आपको उसमें से 4 लेनी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज करिए आपके पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें और कोई आपको बोले कि उसमें से 4 ऑब्जेक्ट चूज करो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आर कभी भी इस एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है और यहाँ पे आर आ जाएगा 10, तो पॉसिबल ही नहीं है, आर इज इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है? ये तो आर इज इक्वल टू 10 तो पॉसिबल है ही नहीं, सो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सो आर इज इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास 3, ठीक है? बहुत सिंपल पैटर्न से किया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये बातें भी याद रखिए, कभी भी जो नीचे ये आर है ये आर इस एन से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स, यूजिंग ऑल द लेटर्स of the word equation, using each letter exactly one way, using each letter exactly वन टाइम। बेटा एक लेटर को आप एक ही बार यूज करेंगे, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्लियर? देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन सबसे पहले पढ़िए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं, उसका मीनिंग निकले या ना निकले, सिर्फ वर्ड बनाना है। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन है इसके सभी लेटर को यूज करके कितने लेटर बनेंगे वो आपको बताना है, ठीक है?
आप ये बताइए इसके अंदर इक्वेशन के अंदर लेटर कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले ये लिखिए इन वर्ड इक्वेशन, देयर आर कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 लेटर्स। क्लियर? अब 8 लेटर है, 8 के 8 आपको यूज करते हैं, ऑल लेटर एट ए टाइम है ना, ऑल लेटर एट ए टाइम। तो ऑल का मतलब क्या होता है बेटा, एन पी एन, एन पी एन सभी के सभी यूज करेंगे तो क्या आएगा, 8 पी 8। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत सिंपल सा है, क्या है बेटा, 8 पी 8, 8 पी 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 जीरो फैक्टोरियल, बता था आपको जीरो फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा फैक्टोरियल 8। ठीक, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, अदरवाइज आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आप इसलिए निकाल सकते हैं ना, निकाल लेंगे बेटा, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, याद है ना, 8 7 6 5 4 3 2, ये निकाल भी देंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। क्लियर? देखिए बेटा इसमें यही बात बोली गई कि सभी के सभी लेटर, ऑल लेटर्स आर यूजिंग एट ए टाइम, सभी के सभी एक ही टाइम यूज कर रहे हैं, तो एनपीएन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बात आप याद रख लीजिए कि एनपीएन की वैल्यू फैक्टोरियल एन होती है, क्यों होती है, अब इसको अप्लाई करो, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर, ये क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन जीरो फैक्टोरियल वन होता है, फैक्टोरियल एन। तो इसको याद रखो, एनपीएन इज इक्वल टू फैक्टोरियल, ऐसे यहां पर क्या आएगा, 8 पी 8, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज सब्स्टिट्यूट। बेटा इसमें देखिए ये नहीं लिख रखा ऑल लेटर्स यूजिंग, इसमें ये वर्ड अभी तक नहीं है, सिर्फ ये लिख रखा है कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, ये ऑल नहीं लिख रखा अभी तक, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं है, फोर लेटर आर इज यूज एट ए टाइम, ये अभी लिख रखा है इसमें से आप फोर लेटर एट ए टाइम यूज करें। सेकेंड पार्ट है आर लेटर आर यूज एट ए टाइम, अब लिख रखा आर लेटर आर यूज एट ए टाइम। पार्ट नंबर 3 है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, सभी के सभी लेटर यूज करेंगे बट फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए आपके पास, वोवल होना चाहिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है, आपके पास जो एक वर्ड है वो मंडे, यहां पे देखिए इसका सोचिए, यहां स्टार्ट कर देते हैं, इन द वर्ड मंडे देयर आर 1 2 3 4 5 6 लेटर, इन द वर्ड मंडे देयर आर 6 डिस्टिंक्ट लेटर, डिफरेंट बताइए, डिफरेंट लिख लीजिए या डिस्टिंक्ट लिख लीजिए, आपकी मर्जी, टोटल 6 लेटर आपके पास। क्लियर? अब जो 6 लेटर आपके पास है, फर्स्ट पार्ट को देखिए, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, बड़ा सिंपल सा है, नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सिंपल नहीं होगा बेटा, 6 है उसमें से 4 एट ए टाइम यूज कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, 6 P 4, और 6 P 4 आ गया 6 5 4 3, 30 × 12 36, 360। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास है 360। अब आप सेकेंड पार्ट करेंगे,
फोर पार्ट तो हो गया। ऑल लेटर आर यूज्ड एट एंड, अब सभी किसी भी लेटर आप यूज करेंगे तो कितने लेटर है सिक्स, तो क्या आएगा सिक्स पी सिक्स, सिक्स पी सिक्स आएगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आप करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। तो सिक्स से बेटा सिक्स के सिक्स आप यूज करेंगे तो पता है आपको क्या है सिक्स पी सिक्स, ये बता था एन पी एन फैक्टोरियल एन, तो सिक्स भी आएगा फैक्टोरियल सिक्स, या आपके पास है सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, क्लियर। सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी को फोर से मल्टीप्लाई करिए वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी को सिक्स से कर दीजिए डायरेक्ट सेवन टू जीरो, तो आपके पास आंसर आ गया सेवन टू जीरो। ये था आपके पास आपका पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर थ्री, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर की जब होगा, लेटर सभी यूज करेंगे आप बट फर्स्ट लेटर क्या होगा देखिए वॉवल्स होगा। देखिए इसमें सिक्स प्लेस है, इसको ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को, थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पे तो वॉवल्स आएगा बाकी कुछ भी है तो इसके लिए तो पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर वॉवल्स कितने हैं बेटा मंडे में, ए और ओ टू वॉवल्स, इसके लिए करते हैं देयर आर टू वोवल्स ए एंड ओ इन वर्ड मंडे, सो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस को बेटा कितने टाइम से फिल कर सकते हैं सिर्फ टू टाइम्स, क्लियर। फर्स्ट प्लेस तो फिल हो गया, अब बाकी कितने पार्ट बचे, प्लेस बचे फाइव, तो लेटर कितने बच गए, आपने सिंगल यूज कर लिया आपने एक यूज किया है तो सिक्स थे, सिक्स में से वन गया तो फाइव, तो फाइव ही आपके पास लेटर और फाइव ही प्लेस, एंड रिमेनिंग फाइव प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय फाइव लेटर्स, फाइव ही लेटर बचे हैं। लेकिन बात सुन लीजिए इस बात को, सिक्स लेटर थे, सिक्स में से आपने वन तो यहां पे यूज कर लिया, या ए लिखिए या ओ लिखिए, लेकिन यूज वन किया, बाकी फिर सिक्स में से यूज वन कर लिया तो फाइव बच गए, फाइव की पोजिशन है, फाइव है आपको लेटर फिल करना है, रिमेनिंग फाइव प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय फाइव लेटर इन फाइव पी फाइव इज इक्वल टू फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी, सो जो रिमेनिंग फाइव है प्लेस वो वन ट्वेंटी में से फिल किए जा सकते हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए टू पॉसिबल, बाकी रिमेनिंग के लिए वन ट्वेंटी पॉसिबिलिटी, सो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी टू इंटू वन ट्वेंटी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स क्या है बेटा टू इंटू वन ट्वेंटी इज इक्वल टू टू फोर्टी, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा काम नहीं बेटा, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा यहां तक हमने जो काम किया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन के ऊपर, उसके अंदर जो गिवन वर्ड है ना या गिवन ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट वो अलग अलग है, तब हम ये काम कर पाए। देखिए अगर उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो जाए एक जैसे हो जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा फिर, ठीक है। सपोज करिए आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर पी ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं यानी कि एक जैसे हैं, क्यू ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और आर ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो जो रिमेनिंग हो गए वो डिस्टिंक्ट, क्लियर। एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से पी ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, क्यू ऑब्जेक्ट
एक टाइप के हैं और आर ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं और सभी के सभी ऑब्जेक्ट आपको यूज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन होता है मेरा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। इसका मतलब ये क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज तो जैसे आप सिंपल केस ले लेता हूं, एन ऑब्जेक्ट्स है उसमें सिर्फ पी एक टाइप के ऑब्जेक्ट मतलब सेम है, बाकी रिमेनिंग अलग अलग है, तो क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, बस सिंपल। अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है पी वन टाइप के है क्यू अनदर टाइप के, तो क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इनटू क्यू फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे बेटा, यानी कि जो एक जैसे है जो रिपीट है उनका फैक्टोरियल नीचे लिखा जाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखिए मैं सिंपल सा देता हूं, ई वाई ई आई, आई को छोड़िए, आई आई टी ले लेता हूं, आप लोगों का कोर्स भी है आई आई टी ले लेते हैं, आई आई टी ये बता। तो इनके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है यूजिंग ऑल लेटर एट ए टाइम कितने बने, देखिए कितने हैं, वन टू थ्री, तो क्या आएगा फैक्टोरियल थ्री, ये टू सेम टाइप के है ना, तो लिखोगे फैक्टोरियल थ्री, यानी कि फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू होती है थ्री इंटू टू इंटू वन, होता है टू इंटू वन, तो थ्री आएंगे सिर्फ थ्री बढ़ेंगे, कैसे देखिए, एक तो है आई आई टी, तो यही है, ये हो जाएगा आई टी आई, ये हो जाएगा एक टी आई आई, ये हो जाएगा, ऐसे बढ़ते है ना, समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ गई तो फिर हमें इसे पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आप इस फार्मूला को याद रखिए, एन में से पी एक टाइप के हैं तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी, अगर पी एक टाइप के हैं क्यू दूसरी टाइप के हैं तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू, ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही है पी एक टाइप के क्यू एक टाइप के आर एक टाइप के, बाकी जो रिमेनिंग है वो डिस्टिंक्ट है, तो ये फार्मूला अप्लाई आप कर लेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
बड़ा सिंपलीफाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया था कि क्या आया था 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, ठीक है, ये 8, 7, 6, 5 नीचे आ गया था 2 और ये आया था 161/4 और जो 8 कैंसिल हो गया था, ये हो गया था 210 into 161 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करिए तो 1 पे जाएगा, तो इधर 210 ही आ जाएगा, ये 0 फिर 6 फिर 12 फिर 1 से फिर करेंगे 0, 1, 2 तो ये आएगा 0, 1, 8, 3, 3 तो 3, 3 आपके पास आपका आंसर आया 3, 3, 8, 1, 0 ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रपोजिशन कैन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। इसमें बेटा इसके अंदर पूछा गया है प्रपोजिशन जो वर्ड है इसके अंदर हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड, यानी कितने प्रपोजिशन बन सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रपोजिशन इसलिए लिखा कि यहां पर प्रपोजिशन लिख रखा है, नंबर ऑफ वेज का मतलब बेटा आपके पास वही है, अरेंजमेंट भी लिख रखा है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, इन सभी को यूज किया जाएगा, और जो स्टार्टिंग वर्ड है वो पी होना चाहिए और जो एंडिंग वर्ड है वो एस होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट पे ये आपके पास देखिए सॉल्यूशन में आप देखेंगे द टोटल लेटर्स इन द वर्ड परमोटेशन आने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पी तो वन टाइम है, पी भी वन टाइम है, आर भी वन टाइम है, एम भी वन टाइम, यू भी वन टाइम, टू टी है यहाँ पे, ए भी सिंगल टाइम है, आई भी आपका सिंगल टाइम है, ओ भी सिंगल टाइम है, एन भी सिंगल टाइम, एस भी सिंगल टाइम, सिर्फ यहाँ पे टी टू टाइम है ना, इसके अंदर टी टू टाइम से बाकी सभी सिंगल सिंगल है। तो अगर इसकी बात करूं मैं तो टोटल प्रोपोगेशन अगर आपको निकाले तो मतलब अरेंजमेंट निकाले सिंपल सा है, पहले काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या आएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्लियर, ये आएगा टोटल, देखिए टोटल नहीं निकाला आपको, यहाँ पे पढ़िए एक बार वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस से एंड होना चाहिए, देखिए सिंपल सा काम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में पी होना चाहिए और एंड में एस होना चाहिए, चलिए तो 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, ये 2 फिक्स हो गए, स्टार्टिंग का फिक्स हो गया और एंड का फिक्स हो गया, अब 10 बचे, 10 बचे और प्लेस कितने बचे, 10 ही बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 प्लेस बचे, वो हमें 10 ही लेटर्स के अंदर फिल करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 10 बट यहाँ पे आई टू टाइम लिमिटेड है अपॉन फैक्टोरियल, क्लियर बेटा क्या आएगा फैक्टोरियल 10, ये 10 प्लेस फिल करने हैं, 10 लेटर है तो क्या होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 जो आई है तो 2 टाइम है फर्स्ट पार्ट पर, ठीक है क्लियर, तो इसको लिखेंगे कैसे देखिए, तो फर्स्ट आप लिखेंगे वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, इसमें क्या लिखा है आप ये फिगर यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिगर फर्स्ट लेटर
ठीक है, द फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट एंड लास्ट लिख दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन आर फिल्ड बाय पी एंड एस, सो वी हैव टू फिल, सो वी हैव टू फिल रिमेनिंग, सो वी हैव टू फिल रिमेनिंग 10 प्लेसेस बाय 10 लेटर्स इन विच देर आर टू आईज, आईज टू का एंड क्लियर बड़ा, उसका तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है, सो सो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा 10 प्लेस है, 10 की लेटर है तो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 है, अब 2 रिपीट है अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 इधर का 10 टू 9 टू 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप ऐसे सॉल्व, तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 181440, सिंप्लीफाई आप कुछ करेंगे इसको, ये तो फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखिए, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, अब जो वोवल्स है इसके अंदर वो सभी इकट्ठे हैं, इसको करते हैं, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, जो वोवल्स है वो सभी के सभी आप क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है, ये देखिए इसको तो उसको करने के लिए पहले तो आप इसके अंदर वोवल्स देखिए, प्रमोट से प्रमोटेशन के अंदर वोवल्स, ई है, यू है, ए है, ठीक है, आई ओ, ये आपके पास वोवल्स, क्लियर, ई यू ए आई ओ, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, टेकिंग ऑल वोवल एज वन यूनिट, पार्ट नंबर टू करेंगे ना, रुक लीजिए, टेकिंग ऑल वोवल्स, वोवल्स के नंबर से है ई यू ए आई ओ एज वन यूनिट, इनको आप एक यूनिट कंसिडर कर लीजिए, क्लियर, जब इसको सिंगल यूनिट कंसिडर कर लेंगे बेटा टोटल कितने थे ये 12 और ये 1 2 3 4 5, 12 माइनस 5 7, तो सिंगल यूनिट कंसिडर किया तो 8 आ गया, देखिए जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, अगर आप इसको सिंगल एक यूनिट कंसिडर करेंगे तो बाकी सब ठीक है, पी आर एम यू टी टी एन एस ये तो है, ये सभी के सभी ए पी आई ओ यू ये सभी के सभी एक सिंगल यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास होगा, क्लियर, ये बात आपने माइंड में, कितने हो गए 8 हो, ये सब को आपने एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया तो अब आपके पास टोटल यूनिट कितनी हो गई 8, ये बात क्लियर है, तो टोटल 8 हो गई, अब उसके अरेंजमेंट बना रहे, देन टेकिंग ऑल वोवल्स एज वन यूनिट, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे ना, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बताए, कितने हो गए आपके पास, देखिए वो 12 थे, 12 में से आपने 5 माइनस कर दिए 7 और 1 यूनिट कंसीडर कर लिया आपके, टोटल हो गया फैक्टोरियल 8, क्लियर, अब जो वो आपके बचे हुए हैं ये इसके अंदर जो टी है वो 2 टाइम है,
फैक्टर टू लिखे। बोलिए अब देखिए जो आपने इनको एक यूनिट परसेंट किया है इसके अंदर ये डिफरेंट है तो इनके रेंज में होंगे। जो इनको एक सिंगल यूनिट परसेंट किया ना इसके रेंज में तो होंगे, लेकिन पहले ई आगे फिर यू के टी जैसे को फिर यहाँ पे यू पहले हो जाएगा तो इनके रेंज में होंगे। कितने लेटर है ये 5 है तो इनके रेंज में कितने होंगे फैक्टोरियल 5। ये बोलिए दोबारा सुन लीजिए बेटा, आपने सभी वर्ब्स को एक यूनिट परसेंट किया तो टोटल यूनिट हो गया आपके पास ए, तो फैक्टोरियल ए। अब उसमें से जो टी है वो 2 टाइम्स है तो उसके लिए लिखते हैं फैक्टोरियल 2। बट जो वॉवल्स को एक यूनिट कंसीडर किया है ये भी तो आपस में चेंज होंगे ना, इनके रेंज तो बढ़ेंगे तो इनके हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5। बोलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसके अंदर जो आपने आई तथ्य लिए थे वो एक जैसे थे, तो आई तथ्य एक जैसे होते हैं हम लिए आई 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 जिसका तो एक ही रेंज बढ़ेगा, लेकिन अगर लेटर डिफरेंट है तो उसके अलग पड़ेगा। यहाँ पे सभी के डिफरेंट है इसके फैक्टर 5, इसके फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास आपका आंसर है फैक्टर 8 बाय फैक्टर 2 इनटू फैक्टर। ठीक है बेटा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 241900। ये आपके पास सेकेंड पार्ट है उसका आंसर। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा ही 4 लेटर होंगे, तो पी और एस है ना उसके बीच में क्या होना चाहिए हमेशा ही 4 लेटर होना चाहिए। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये देखते हैं इसको, इस पार्ट को देखिए कैसे कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए। अगर पी यहां पे आएगा तो 1, 2, 3, 4 एस यहां आएगा, चलिए अगर पी यहां आएगा तो फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 इसके बीच में 4 होना चाहिए, 3 बजे 1, 2, 3, 4 एस यहां आएगा, फिर अगर पी यहां आया तो एस यहां आएगा, क्लियर। फिर पी यहां पे आया तो एस यहां, अगर पी यहां पे तो फिर एस यहां, और अगर पी यहां तो एस यहां। ये देखिए फिर अगर पी यहां पे आएगा तो एस यहां आएगा, अगर क्लियर ठीक है ठीक है, पी यहां तो 1, 2, 3, 4 एस इससे आ गया, चलिए यहां नहीं लीजिए। अगर पी यहां पे आएगा तो 1, 2, 3, 4 एस यहां आएगा, फिर अगर पी यहां पे आ रहा तो एस यहां आएगा, इससे आगे एस नहीं जा सकता है ना। दोबारा देख लीजिए, ऊपर दोबारा देखिए, ये 12 पोजीशन है, ये 12 पोजीशन है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे है यहां पे तो देखिए 1, 2, 3, 4 यहां पे आएगा एस, ठीक है बीच में आपके 4 होने चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो सिक्स पोजीशन पे आएगा ये। अगर पी सेकंड पे है तो ये 7 पे आएगा, क्लियर। अगर ये थर्ड पे है तो ये 8 पे आएगा, ये 4 पे है तो एस कहां पे आएगा 9 पे आएगा, और अगर ये 5 पे है तो एस 10 पे आएगा, अगर ये 6 पे है तो एस 11 पे आएगा, और ये 7 पे है तो एस 12 पे आएगा। अगर पी 8 पे है तो एस 13 पे आएगा, वो तो है ही 13 तक आप नहीं जाएंगे, ये बेटर रहेगा आपको क्वेश्चन के लिए। तो ये अरेंजमेंट बनेगा, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 अरेंजमेंट है पी और एस के लिए, क्लियर। कितने अरेंजमेंट है 7 अरेंजमेंट, तो पी और एस के लिए 7 अरेंजमेंट। देखिए अब ये लिख रखा है कि P और S के बीच में,
ठीक है, तो ये नहीं बोल रखा कि पी पहले आएगा या एस पहले आएगा, तो एस भी पहले हो सकता है। अगर एस यहां पे होगा, एस को तो पी के लिए लिख देता हूं, फोर पी एस सेकेंड फोर एस पी, ठीक है। अगर एस फर्स्ट पोजिशन पे है तो पी सिक्स पोजिशन पे आएगा, क्लियर। एस सेकेंड पे है तो ये सेवन, ये थर्ड पे एट पे। अब इसकी जगह बेटा बदल गई है आपस में, एस और पी ने जगह अपनी चेंज कर दी, तो सेवन तो इसके लिए बनेंगे। दोबारा सुन लीजिए, इसने ये बोल रखा है कि पी और एस के बीच में फोर प्लेस होंगे। इसने ये नहीं बोल रखा कि पी पहले आएगा या एस पहले होगा, एस भी पहले हो सकता है पी भी। अगर पी पहले हुआ तो ये सेवन प्लेस बनेंगे, अगर एस पहले हुआ ठीक है तो ये सेवन प्लेस। टोटल कितने बने? 14 बने, क्लियर। कितने बने? 14। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज, इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल द पोजिशन बाय पी एंड एस इज इक्वल टू 14। ये 14 हो गए बेटा, आई थिंक ये बात क्लियर हुई, हुई ना क्लियर। अब इसके बाद देखिए, ये तो पी और एस तो हो गए, अब टोटल कितने थे? 12 थे। 12 में से आपने टू तो फिक्स कर दिया पी और एस, कितने बच गए? 10 एंड रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन फिल द रिमेनिंग 10 पोजिशंस बाय 10 लेटर है, 10 पोजिशन कैन फिल 10, बट उसके अंदर टी टी टू टाइम रिपीट है, तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल, क्लियर। ये टी रिपीट है तो रिपीट है तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, रिपीट वाले को आप नहीं छोड़ सकते, क्लियर। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when there are four letters between P and S, क्या है बेटा? P और S के तो 14 केस थे, फिर 14 into factorial 10 by factorial 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको ठीक है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको आंसर नहीं मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2540160000, तो ये आपके पास आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो आप यहां तक प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन अभी करवाया है, ये तो जो एक से प्रीवियस क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़े से डिफिकल्ट भी लगेंगे आपको, लेकिन वन ऑफ टाइम रिवाइज करिए तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है जिसके अंदर डिजिट डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीट है, तो रिपीट है तो जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतना ही फैक्टोरियल आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के लिए भी और ये जेई के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।